अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। और आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि इधर बीच के मेरे रोज़े छूट गए हैं, लेकिन अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज से। और अभी बज रहा रात का 2। एंड गाइस, रोज़ा और सेहरी आफ्तारी ये सब ना, मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं तभी करने में मज़ा आता है। पर मेरे ना बहुत छोटी सी फैमिली, मायके में तो माशाल्लाह बहुत से लोग हैं और बहुत अच्छा भी लगता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ ससुराल में बहुत छोटी फैमिली। तो 2:30 बजने वाला है। आए हाय, हम ऐसे ही जा रहे थे बिना कुछ बंद बंद किए। कहाँ गया यार ऐसी रिमोट? Hey guys, तो मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया ना, मैं बहुत कम खा रही हूँ। मतलब जिस हिसाब से मैं खाती थी ना, मतलब ये भी खा लो वो भी खा लो, पता नहीं क्या हो गया। मैं कुछ खाती हूँ ना तो मेरा एकदम पेट भरा भरा सा रहता है, मतलब जैसे हजम नहीं हो रहा है। तो इस टाइम मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं खा पाऊँगी, लेकिन छोटू सा मैं एकदम टाइनी सा बनाऊँगी पराठा, आलू का पराठा। और आलू के पराठे के साथ हम खीर खाते थे। मेरी अम्मी आलू के पराठे के साथ हमेशा खीर बनाती थी। और वो टाइम बहुत दूर चला गया कि अम्मी बैठ के बना रही हूँ और हम लोग गरम गरम खा रहे हों। ओके गाइस, तो मैंने पराठे के साथ एक छोटी सी ये आलू की टिक्की बना ली थी। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं छोटा सा पराठा बनाऊंगी, लेकिन मुझसे कभी भी आलू का पराठा छोटा नहीं बनता। मैंने बहुत कोशिश की, हमेशा मुझसे बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अपना आलू का पराठा खा रही हूँ। मेरे ना इतनी तेज़ तलब लग रही है इसके साथ खीर खाने की, बता नहीं सकती। ओके गाइस, तो मेरे यहाँ पे आलू का पराठा ख़त्म हो चुका है और अब मैं सोच रही हूँ कुछ और खाने का, क्या खाऊँ। मैंने खोला ओवन, ये प्लेट गई ओवन के अंदर। ओके गाइस, तो मुझे लगा कि 3 मिनट में गर्म होगी, लेकिन ये 1.5 मिनट में गर्म हो गई। तो अभी मैं ये खा के उसके बाद, अच्छा आप लोगों ने सहरी में क्या क्या खाया मुझे कमेंट करके बताओ। मैं तो यही सब खाती हूँ यार, चोचले बनते हैं बिल्कुल नहीं। ठीक है, देसी खाना अपना मस्त होता है, सब्जी रोटी पराठा चाय खारी यही सब खाया जाता है। ओके एवरीवन, तो मैंने खा लिया यहाँ पे बिरयानी और अब मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, सिर्फ 18 मिनट बचे हुए हैं सेहरी का वक्त ख़त्म होने में। नहीं 18, हाँ 10 और हाँ 18 मिनट ख़त्म बचे हुए हैं। 18 मिनट में मुझे ये पूरा फिनिश करना है। तो ओके गाइस, तो सेहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अजान भी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद सो जाऊंगी, फिर आप लोग से मिलती हूँ सुबह। गाइस अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो मेरी हो गई सुबह और मैंने थोड़ा सा मुंह पे पानी उन्हें डाल लिया है, साफ़ कर लिया है। ठीक है, तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर मार्केट और थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेना है मुझे, वो लेने जा रही हूँ। चलिए आपसे मिलते हैं सीधे बाहर। इसके बीड्स हैं ना, ये भी क्रिस्टल है, ये भी फाइबर नहीं है। Okay. ये सब S4 है, इसकी शाइन आप देख लो। अच्छा, ये जो ये तार है ये क्लच वायर से टूटेगा नहीं? हाँ क्लच है, एज इट इज रहेगी। अब ये 1,55,000 यूरोपियन है। इसको जला के दिखाइएगा।
खाना है इसे जला के। राउंड राउंड भी करते हैं? नहीं नहीं, इसी तरह से रहेगा, ये स्टैचू है। अगर राउंड में चाहिए तो फिर वो चाबी पे होगा। गाइस, तो अभी मैंने लाइट्स वगैरह खरीद लिया है, अब मैं जा रही हूँ अमीनाबाद। मुझे कुछ कान के लेने हैं, मतलब कि इयररिंग्स वगैरह लेनी है, और मुझे थोड़ा सा ना एक दो सूट भी खरीदना है, और कुछ नहीं। चलिए दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, ये है अमीनाबाद का रास्ता। मैं नाका से होते हुए जा रही हूँ, क्योंकि जो लाइट्स दिया है ना, ये सब नाका पर मिलती है, और मैं अभी अमीनाबाद जा रही हूँ, क्योंकि अमीनाबाद का रास्ता है। कैसा है? कैसा? इस कलर में मैडम ने ये 100 की सेल लगी कड़े में। कैसे कितने में ये 100 की सेल लगी? हमको लगा ये बोल रहे हैं। नहीं, ये थोड़ा है, ये अलग लग रहा है। कितने में? 2000 इस रेट में। ये वाला आपका 850 की। जी बेटा, नहीं देखो क्या कहेंगे, ये डिपार्टमेंट डाली छोटे ओके गाइस, तो अभी मैं खरीद रही हूँ झुमके, और ये झुमका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। अभी मैं पहले ज्वेलरी खरीद रही हूँ, उसके बाद कपड़े खरीदूंगी। ये आंटी का बूट अलग अलग के पीस है, डिफरेंट पीस। कितने का है ये? 1850। ये मैम वर्क यही है, आपको नॉर्मल वर्क नहीं मैच करेगा। ये देखिए, ये सब ले लिए नॉर्मल मेरे को। ये येलो अलग चाहिए। ये बाल में पसंद आने वाली चीज़ है। चॉइस की आइटम लगा। ओके गाइस, तो एक पसंद आया तो मैं एक ही ले रही हूँ यहाँ से। और बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही है, बेइंतहा वाली गर्मी हो रही है। वाईफाई है इसमें, ये दे दीजिए। और डेकोर करेंगे ना वो एरिया, उसके लिए लाए हैं। ठीक है, ओके। यस, लाया लाइट। अब तुम सब चेक करोगी, ये फेरी लाइट, इट्स अ फेरी लाइट। हाँ, इसमें रखो, कहाँ गया? Want some more? Oh, I told you this one. Also fairy light, Gazi. Also fairy light. Now this, this one. हाँ, चलो माँ। Is rope? ना, रख दो। ओके गाइस, तो अभी मैं घर आ चुकी हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। और गाइस, मेरा फेस देख सकते हो कितना उतर गया है। गाजी, वो गायब कर दोगे तो फिर पानी नहीं पी पाओगे तुम। हाँ, उल्टा है। उल्टा है? हाँ, पानी नहीं पी पाओगे फिर। हाँ, हिंदी नहीं बोल पा रहा। ओके गाइस, अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ नहीं पढ़ के गई थी मैं, तो उस वक्त टाइम भी नहीं हुआ था नमाज़ का, तो इस वजह से नमाज़ नहीं पढ़ा था। तो अभी नमाज़ पढ़ के फिर आपको से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं पानी भर लूँ, क्योंकि नहीं तो फिर शाम को ठंडा पानी नहीं मिलेगा मुझे। और मियाँ जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सामान लेने के लिए कुछ। ठीक है, तो ये मैं बॉटल लाई हूँ, बहुत ही प्यारी सी मल्टी कलर की बॉटल्स हैं, दिखाती हूँ आपको। ये 400 की बॉटल मिली है मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छी बॉटल्स हैं। गाइस, तो मैंने डेकोर कर दिया है, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले मुझे चना डालना है कुकर में उबलने के लिए। तो पहले चना उबाल दूँ, उसके बाद फिर करती हूँ। मल्टी कलर की मैंने लाइट डाल रखी है, अभी उधर कुशन वगैरह डालना है। फिलहाल के लिए मैं बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ मुझे वो चना बनाना है जल्दी से, और थोड़ा सा काट काट के सब कुछ रखना है। तो जल्दी से मैं ये कर लूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। ओके गाइस, तो अभी रोज़ा खोलने का टाइम हो चुका है, और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ूँगी, फिर रोज़ा खोलूँगी। ठीक है, तो
चना भी मेरा बन ही गया, ऑलमोस्ट बन गया है। ज़्यादा कुछ बनाया नहीं है, बहुत हल्का फुल्का सा ही है। आज तो उतना भी खा ले रही हूँ, कल मैं और नहीं खाऊँगी, मतलब कि ये सब नहीं खाऊँगी। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा रोज़ा खुल गया है और मैंने पिया रू अफ़ज़ा का शरबत। घुगनी बनाई थी वाटरमेलन। ओके गाइस, तो यहाँ पे स्माइली है, फ्राइज है और ये नगेट्स हैं, क्योंकि पकौड़ी कौड़ी हम इतने शौक से नहीं खाते हैं, ये ज़्यादा अच्छे से खाते हैं, इस वजह दानिश ये ले आए थे। अभी तरबूज नहीं खाया, शरबत पी लिया है, खजूर खा लिया, घुगनी नहीं खाया, दानिश घुगनी खा रहे हैं। ओके गाइस, तो रोज़ा खोलने के बाद थोड़ी सी तबीयत जो है वो हो जाती है ढीली ढीली सी, मतलब बीपी टाइप का लो हो जाता है, तो वही हो गया अभी मेरे साथ। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरा रूम, अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने ना ये तरबूज नहीं खाया क्योंकि मेरा पानी पीने का बहुत तेज़ दिल चाह रहा है, और अगर मैं तरबूज खा लूँगी फिर पानी नहीं पी पाऊँगी। तो अभी मैंने खाना नहीं बनाया है और यही सब खा रही, स्माइली, फ्राइज़, ये आज ही खा रही हूँ मैं, कल के रोज़े में कुछ भी नहीं खाऊँगी। ठीक है, लास्ट डे था, लास्ट डे। तुमने अपना मुंह कैसे गंदा किया है? हाँ, अच्छा आओ मम्मी की हेल्प कराओगा, अगर बेड बिगड़ा तो मैं मारेंगे हम। पहले ये रख के आओ किचन में, हो गए हाँ, किचन में रख के आओ और स्लीपर पहन के जाओगे। वाटर मेलन पानी, स्लीपर उल्टी, हाँ चलो सही पहन लो, धीरे धीरे आओ लेके जाओ, काम किया करो थोड़ा, चलो फिरो। ऐसा नहीं, जब मेरी तबीयत खराब होती है ना तब बहुत अच्छे से काम कराता है। मेरा दिल करता है यार बहुत सारे लोग हों जो हेल्प कराए, साथ में रोज़ा खोले, हंसी मजाक हो। क्या क्या फ्रीजर में रखना, फ्रीजर में नहीं रखना था, किचन में रखना था। ऐसे ये तरबूज मैं बाद में खाऊंगी, और दानिश तरबूज अच्छा लाए भी नहीं है। मैं जब भी इनसे कुछ लाने को कहती हूँ तो ये लाते नहीं है, जब लाते तो ये उल्टा सीधा उठा के ले आते हैं। अभी देखो ये एकदम लाल लाल नहीं है, हम जो लाते एकदम खून वाला लाल होता है, खून वाला, इतना मीठा होता है, और इसकी शक्ल देख के मेरा खाने का दिल नहीं हो रहा है। ओके गाइस, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करेंगे, आप लोग की शिकायतें बहुत रहती ना, आप जल्दी अपलोड नहीं करते, मैं जल्दी अपलोड करूँगी। दुआ में याद रखिएगा, हैप्पी रमज़ान, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Breaks and